से क्लास होता है? से क्लास होता है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग Do you know the number of student, total number of students? Class में कितने? 31 maybe. 30 including 31 including. तो 30 हो जाते हैं। And who is the class monitor? Yes, sir, Amit Kumar Hota. Amit, okay. I'm Pranshu Tanaya. Pranshu, okay. So you two are the monitors. Very good. चलिए तो शुरू करते हैं अभी 24 तो हो गए हैं पांच लोग छह लोग छह सात लोग मिसिंग हैं आठ बचे हुए अभी ना ठीक तो हमने लास्ट पढ़ा था देखो लास्ट हम क्या पढ़ रहे थे हम काइनेमेटिक्स में उसका एप्लीकेशन ढूंढ रहे थे इसका कैलकुलस का सो तो ये किया था Someone was asking me that ये इक्वेशन तो हमारी है x equals to 3t square plus 2t बट ये अचानक से 60 plus 2 कैसे आ गया वेलोसिटी तो बेटा वो डेफिनेशन है वेलोसिटी की वेलोसिटी इज dx by dt तो आपको इसी को डिफरेंशिएट करना है इसी को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सीखो ये अगर डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज उसका प्रैक्टिस अच्छा हाँ एक मिनट एक चीज और है आफ्टर द क्लास रिमाइंड मी टू सेंड यू सम असाइनमेंट अमित कुमार होता यस सर आई विल रिमाइंड यू एक मैसेज डालना टू सेंड यू द असाइनमेंट यस सर ठीक है तो एक ही कैलकुलस प्लस काइनेमेटिक्स का ही एक असाइनमेंट लोगों को मिल जाएगा ओके सो b इज इक्वल टू dx by dt है तो आपको डिफरेंशिएट करना जो है ये आना चाहिए बस ऐसे 3t की जगह 60 हो जाएगा कैसे 3t स्क्वायर t स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t डेरिवेटिव t स्क्वायर इज 2t एंड डेरिवेटिव ऑफ t इज 1 ठीक है तो यही लॉजिक से ये 60 प्लस 2 आ गया था एनीवे तो आपने ये थोड़ा बहुत ये देखा कि भाई हमें अगर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड या t इक्वल टू 4 सेकंड निकालना है देन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी
at that instant or instantaneous velocity nikalna hai, so you will be using this derivative. पहले डेरिवेटिव करो फिर टी का वैल्यू पुट करो तब आपको उस पॉइंट की वेलोसिटी मिलेगी. ये डेरिवेटिव का मतलब है. अगर आपने मान लीजिए एक्स में यहां पर वैल्यू पुट कर दिए टी इक्वल टू 2 सेकंड्स तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा. सपोज आपने ऐसा करने का सोचा इसको कि भाई एक्स का वैल्यू मैं 2 सेकंड्स पर निकाल लेता हूं तो आपकी इक्वेशन थी 3t² + 2t इसमें आपने 2 सेकंड डाला. सर आपने आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? क्या बेटा क्या बोलो? सर स्क्रीन शेयर. सबका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है. थोड़ा जोर से बोलो जरा. क्या सर? स्क्रीन शेयर. स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है. अरे अभी स्क्रीन शेयर ही नहीं हुआ. ओके सो ये इसी की बात कर रहा था मैं. ये लास्ट जो क्वेश्चन कर रहे थे हम x equals to 3t² + 2t आपसे वेलोसिटी पूछा था at t equal to 2 seconds. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसका मतलब यू विल डिफरेंशिएट एंड देन पुट t equal to 2 इन दिस एक्सप्रेशन तब आपको वेलोसिटी जो है t equal to 2 सेकंड की मिलेगी. अगर आपने गलती से भी ये करने का सोचा कि मैं पहले जो है x निकाल लेता हूँ या डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ 2 सेकंड पर तो अगर आपने ऐसा किया तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. कुछ ऐसा आ जाएगा. कितना आया था? 16 मीटर. और फिर आपने सोचा कि नहीं मैं x को जो है अब t से डिवाइड कर देता हूँ तो 2 सेकंड से डिवाइड कर दिया आपने. यू विल गेट 8 मीटर्स पर सेकेंड विच विल नॉट बी दी वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड. इस तरीके से आप वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड नहीं निकाल सकते. दिस बिकम्स द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 एंड 2 क्योंकि आपने 0 और 2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट लिया और उसको 2 से डिवाइड किया तो एक एवरेज वैल्यू आपको मिलेगी बिटवीन 0 एंड 2. अगर एग्जैक्टली टी इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालनी है वेलोसिटी तो ये तरीका है आपके पास. ये चीजें सबको क्लियर है? यस. ऑलराइट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. उससे पहले थोड़ा इन जनरल भी सोचो एक चीज. एक दो चीजें आपको और पता होनी चाहिए जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो. जनरली जो भी हम साइंस में पढ़ते हैं ठीक है, साइंस से मतलब हो गया हमारा कि वी हैव फिजिक्स. फिजिक्स इज द फंडामेंटल साइंस. उसके ऊपर बिल्डअप होता है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के ऊपर आपका बायोलॉजी आ जाता है. इन सब साइंसेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि अगर आप एक्चुअल में साइंस के जो मेन लॉज है उन्हीं की स्टडी होती है, बाकी सब मैथ्स होता है उसके अराउंड. मैथ्स बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ साइंस. तो ये सब जो भी आप पढ़ रहे हो ये कैलकुलस ये सब ये साइंस की बजाय दिस इज मोर ऑफ मैथ्स. ठीक है तो ये अब फिजिक्स की बजाय दिस इज मोर ऑफ मैथ्स. साइंस में अगर आपने कोई भी एक स्टेटमेंट दिया या फिर कोई भी एक लॉ दिया, लॉ देने की कोशिश करी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो साइंटिफिक लॉ तभी कहलाएगा व्हेन इट कैन बी डिस्प्रूव्ड. साइंटिफिक लॉ वो तभी कहलाएगा व्हेन इट कैन बी डिस्प्रूव्ड. देयर इज एन ऑप्शन देयर इज अ वे टू डिस्प्रूव इट. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने कर दिया डिस्प्रूव, ऐसा नहीं है, बट देयर शुड बी अ वे टू टेस्ट इट सच दैट इट कैन बी डिस्प्रूव्ड. तो तभी हम उसको बोल सकते हैं कि वो आपका साइंटिफिक लॉ है. अगर आपने कोई एक ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया जिसको डिस्प्रूव कर ही नहीं सकते आप, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने बोला कि 2 पॉइंट्स हैं, वी विल से दैट द डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. ये एक स्टेटमेंट बोला, displacement is the shortest distance between any 2 points. This is not science. This is not a scientific law because there is no way to disprove it. You have strictly defined कि भाई displacement हम ऐसे ही बोलेंगे. तो ये एक तरह की mathematics है. This will not be a part of scientific law. ये law होगा भी नहीं. एक definition बोलोगे आप इसको better.
बिकॉज ये एक सेल्फ एविडेंट मतलब डेफिनेशन है, आपने डिफाइन इस तरीके से किया है कि भाई ठीक है अब इसी को मानना पड़ेगा. ऑब्वियसली इसके यूज है इसलिए आपने ऐसा बोला, बट दिट इज नॉट अ लॉ. बट व्हेन न्यूटन सेज दैट एफ इज प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर इक्वल टू एम ए, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन. दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, दिस इज अ लॉ. एंड there is a way, there is an experiment, you can do some experiments to determine better this, whether this is correct or incorrect. Zaruri nahi hai incorrect nikal jaye tabhi aap manoge, aisa nahi hai. Correct bhi nikal, obviously correct nikalta hai for time to, agar koi law bana hua hai tabhi aap isko scientific law bologe. That means there should be a way to test it. To kya f is equal to ma hamesha true hota hai? नहीं लगेगा. लेकिन जब आप थोड़ा सा और हायर फिजिक्स अगर पढ़ते हो, मे बी फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए तो आप शायद फिजिक्स में अपना मेजर करने की सोचो, फिजिक्स में ग्रेजुएशन सोचो, तो फिर आप देखोगे ये कभी नहीं लगता. मतलब दिस इज जस्ट एट बेस्ट इट इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ मोर फंडामेंटल लॉ. तो इसी तरीके से जितने भी लॉज होते हैं उन सब में गुंजाइश होती है कि कोई भी दीज आर नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है. तो और साइंस में जनरली यही चल रहा होता है कि आप जो यू आर कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन मेकिंग इट मोर एंड मोर एक्यूरेट. इसी तरीके से साइंस जो आगे प्रोग्रेस करती रहती है. तो there should be a way to disprove it. अब इसको जो है misunderstood मत कर लेना कि science में जो भी fact होते हैं वो गलत होते हैं, ये नहीं सोचना है आपको. लेकिन एक तरीका होना चाहिए कि आप उसको disprove कर पाओ, यानी कि test करने का एक method होना चाहिए उसको. Then that is called a scientific law. तो आप देखोगे कि physics में जब 11th 12th में आप पढ़ रहे हो बहुत ही गिने चुने law पढ़ोगे आप, बहुत ज्यादा science नहीं पढ़ोगे आप उसका बहुत ज्यादा application सीखोगे, जिससे कि आपको और डीप अंडरस्टैंडिंग हो इसकी. तो फिजिक्स में भी मोर और लेस यू आर डूइंग मैथमेटिक्स. जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो तो मैथमेटिक्स ही है. लॉज तो बस क्या है, जैसे अभी आपके पास ये आ गया न्यूटन्स लॉ मिला है अभी आपको. न्यूटन्स लॉ के बाद मे भी आप जाओगे काइनेमेटिक्स में, कोई लॉ नहीं. काइनेमेटिक्स में अगर मैं लॉ पूछूं सारी डेफिनेशन है, अगर मैं लॉ बोलूं कि कोई लॉ है क्या इसमें, तो यस एक लॉ मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो इक्वेशंस हैं दीज कैन बी कंसिडर्ड एज लॉ, दीज आर लॉ. दिस पर्टिकुलर रूल या फिर ये लॉ, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, v इज इक्वल टू u प्लस at. जानते हैं सब लोग ये बात, v इज इक्वल टू u प्लस at? यस. तो ये दिस इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ अ लॉ इन काइनेमेटिक्स. इससे और बाकी तो सब डेफिनेशंस हैं. पहला लॉ आप जो है न्यूटन्स लॉ पढ़ोगे, फिर मे बी कुछ थ्योरम्स आएंगी, वर्क एनर्जी वो सब, फिर उसके बाद कंजर्वेशन वाले लॉज आएंगे. कंजर्वेशन वाले लॉज आपने अभी भी कुछ लोगों को पता होंगे ऑलरेडी. कैन यू नेम सम कंजर्वेशन लॉ? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. यस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. और कोई बोलो, कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास ये भी एक लॉ है, इवन दो दिस इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ, बट यस एक लॉ है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी, वेरी गुड. तो ये दीज आर कंजर्वेशन लॉज. और फिजिक्स में जो है कंजर्वेशन लॉज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उनका दर्जा सबसे ऊपर होता है, मतलब दे आर दी मतलब सबसे टॉप में उनको रखा जाता है कंजर्वेशन लॉज को. जब आप फिजिक्स पढ़ रहे तो कंजर्वेशन लॉज भी गिने चुने, बहुत ज्यादा नहीं है कंजर्वेशन लॉज. अगर आप पूरा सब पूरा फिजिक्स अगर देखो एज अ होल, तो सिर्फ 5 ही कंजर्वेशन लॉज आपको दिखेंगे, जिसमें से कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट अ करंट लॉ. ये मतलब ठीक है कुछ केसेस में लगता है. तो आगे जब आप फिजिक्स को पढ़ रहे हो तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. That जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं इट इज नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ,
इट इज एप्लीकेबल ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. वो सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, कब लगता है ये, और साथ में ये भी जानो कब नहीं लगता है. एंड ऑलमोस्ट सिमिलर सी यही वाली चीज आपको जो ट्रिक्स बताई जाती है ना कभी कभी क्लास में कि भाई हाँ इसको इस ट्रिक से कर लो ऐसे फटाफट आंसर आ जाएगा, उनके लिए भी ऑलमोस्ट वैसा सही है. सिमिलर ट्रिक सीख रहे हो नहीं तो ये जरूर सीखना कब नहीं लगेगा. हमेशा ऐसा क्वेश्चन पे जरूर फोकस करना जिसमें वाली ट्रिक नहीं लग रही हो, कुछ गलत आ गया हो, तभी आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट मानी जाएगी कोई भी अगर आप नई चीज सीख रहे हो. तो हमेशा जो भी आपका ये कोर्स आगे चलेगा इसको इसी तरीके से आगे पढ़ने की कोशिश करना बेटा. ओके चल नाउ वी विल बिगिन. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अंडरस्टूड दैट एक्सेलरेशन का नहीं एक्सेलरेशन नहीं सीखा था तो एक्सेलरेशन पढ़ना अभी हमें. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं इट कैन बी अंडरस्टूड एज द स्पीड ऑफ स्पीड. स्पीड ऑफ स्पीड का मतलब क्या है कि आपकी जो स्पीड है या फिर जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर एक्सेलरेशन. नॉर्मली अगर हम बात करें तो जैसे आपने देखा है कि स्पीडोमीटर होता है ऐसे गोल आपके कार्स के अंदर, तो इधर आपकी नीडल रहती है जीरो पर, फिर ये फिर ये. तो एक्सेलरेशन किस चीज से मेजर होगा. ये नीडल अगर आपकी मान लीजिए जीरो पर है तो दैट मीन्स यू आर नॉट मूविंग एट ऑल. अगर ये 10 पर आ गई है स्पीडोमीटर का नीडल दैट मीन्स यू आर मूविंग विद सम स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, यू आर मूविंग मच फास्टर. और अगर 20 पे आ गए तो और तेज चल रहे हो आप, आपकी जो कार है वो काफी तेजी से चल रही है. लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो तो ये नीडल मूव नहीं करेगी. आपकी कार मूव करती रहेगी बट दिस नीडल विल नॉट मूव. वॉट डज एक्सेलरेशन मीन. अगर आपको अपने कार की नीडल मूव करते हुए नजर आए, इसके पास कोई स्पीड हो मूव करने की, हालांकि सर्कुलर मूव कर रही है एनीवे, बट अगर ये मूव करते हुए नजर आ रही है आपको दैट मींस योर कार इज एक्सेलरेटिंग. तो ये नीडल रिप्रेजेंट करती है स्पीड और इस नीडल की स्पीड रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन. टू मेक इट क्लियर, सपोज आपकी गाड़ी जो है बहुत ही हाईटेक है और उसमें एक लीनियर आपके पास एक स्पीडोमीटर है. लीनियर स्पीडोमीटर समहाउ जो उसमें नीडल ऐसे आगे की तरफ भागती है, ये जीरो है, ये 10 है, 20 है, 30 है, इस तरह से आपकी जो है स्पीड ऐसे दिखाई जाती है. सपोज लीनियर स्पीडोमीटर देखा कभी किसी कार में लीनियर स्पीडोमीटर. पुराने कार्स में होता है. एग्जैक्टली पुरानी कार्स में होता था, हाईटेक नहीं, पुरानी कार्स में जो है इस टाइप का एक सिस्टम होता था. वेरी गुड, देखा तुमने, तो That's good. Okay. तो अब अगर मुझे मान लीजिए एक्सेलरेशन पता करना है तो एक्चुअली इनडायरेक्टली आप जो है इसको इस नीडल का स्पीड समझ सकते हो. जितनी तेजी से ये नीडल आगे बढ़ेगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन है, उतनी तेजी से आपका स्पीड जो है वो चेंज होगा. ये तो होगी समझने वाली बात. नाउ अब आते हैं हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पे. तो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल बोलते हैं हम, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is called acceleration per unit time. अब acceleration को mathematically कैसे लिखूंगा मैं, तो यार rate of change तो अब आप जानते हो instantaneous लिखना है, तो मुझे differentiate करना पड़ेगा velocity को rate निकालने के लिए. और अगर average लिखना है, average acceleration क्या रहेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो भी आपका टाइम लगा, वेयर वी एंड यू आर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी पता ही है आपको. कुछ ऐसा U
यूनिट क्या बनेगा इसका? दिस इज द स्पीड ऑफ स्पीड, मतलब कि मीटर पर सेकंड जो है वो पर यूनिट टाइम कैसे चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस है फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया. दिस विल बी द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. यहां से ही आपके पास एक फर्स्ट रिलेशन ये निकल के आ सकता है दैट v इज इक्वल टू u प्लस, इसी को मैं अरेंज कर रहा हूं, u प्लस एवरेज एक्सेलरेशन टाइम्स t. ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी यहां से, वेयर u विल बी द इनिशियल स्पीड, मतलब t इक्वल टू जीरो पर जो स्पीड थी, और v बनेगी आपकी फाइनल, यानी कि ये जो t टाइम आपने रखा है यहां पर, यहां की जो वेलोसिटी बनेगी. इफ एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, if acceleration is constant, then you can write. अब उस केस में क्या होगा, आपका ये instantaneous और average सब बराबर हो जाएंगे. You can write v is equal to u plus जो भी उसकी value है into t. So that gives you the first equation of motion when acceleration is constant. तो ये कंसेप्ट है आपका एक्सेलरेशन से रिलेटेड. अगर एक्सेलरेशन मान लीजिए आपका पॉजिटिव है, विच मींस आप पॉजिटिव डायरेक्शन, जो भी आपने पॉजिटिव माना है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करो, उस डायरेक्शन में आपकी स्पीड बढ़ रही है. और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इट मींस आपकी स्पीड जो है इसी डायरेक्शन में कम हो रही है. Now it can also have some other meanings also, कि भाई ठीक है स्पीड मान लीजिए आप मूव इधर कर रहे थे उल्टे डायरेक्शन में, अब अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड बढ़ेगी. ठीक है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी, और अगर वेलोसिटी तो इधर की तरफ है, आप मूव इधर कर रहे थे नेगेटिव डायरेक्शन में, बट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इट मीन्स आपका वेलोसिटी अब डिक्रीज करेगा. So, ये वाले दोनों केसेस जो है, इन केसेस में स्पीड इंक्रीजेस, और ये नीचे वाले केसेस में दोनों में क्या होगा, स्पीड विल डिक्रीज. तो एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना सिर्फ आपको ये बताता है कि आप वेलोसिटी के अलोंग अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, या फिर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड बढ़ा रहे हो. इसके अलावा और कोई मतलब नहीं समझना है. जनरली हम क्या करते थे पहले, कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो स्पीड कम हो रही है. बट इस तरीके से मत सोचो, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का सेम साइन है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इट कुड मीन दैट स्पीड इज इंक्रीजिंग. और अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इट कुड मीन दैट स्पीड इज डिक्रीजिंग. तो प्लस माइनस यहां पर सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है और कुछ नहीं. All right. फिर से इस पे आते हैं कि हमारा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में आई कैन राइट दैट वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी या फिर डी एस बाई डी टी. एस भी लिख सकते हो आप इसको, तो एस इज द डिस्प्लेसमेंट. एंड वी नो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होने पर आपका वेलोसिटी यू प्लस ए टी के रेट से चेंज होगा. आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना सीखना है अब आपको नेक्स्ट. ठीक है, तो ये काम हम करेंगे थोड़ी देर बाद. अभी इतना पार्ट आपका जो है ये आपने सीखा, डिफरेंशियल वाला हो गया. ठीक है, तो इस वाले पार्ट के लिए वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटीग्रेशन. तो चलिए अब हम जो है वापस से कैलकुलस पे आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलस सीखनी है अभी और. तो लास्ट हमने अभी तक ये सीख लिया है कि आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है, डिफरेंशिएट कब करना है ये भी आपको मालूम है. अगर आपको मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डी एस बाई डी टी करना होता है, और अगर एक्सेलरेशन निकालना है फिर तो उसके बाद आपको डी वी बाई डी टी करना होता है. यू ऑलरेडी नो प्रोडक्ट रूल, यू ऑलरेडी नो कोशेंट रूल, and you already know the chain rule. अब हम पहले थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं और कहां कहां एप्लीकेशन होता है इन जनरल.
तो इसके एप्लीकेशन के लिए एक चीज और सीखनी है आपको, विच इज मैक्सिमा एंड मिनिम। हम इसको कैलकुलेट यूज कर सकते हैं टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगा, बाकी आप जो डिटेल में इसको मैथ्स से सीखोगे। अभी जो हमारा काम आता है ये इसमें काइनेमेटिक्स में, इसलिए बताऊंगा मैं आपको। देखो मैक्सिमा और मिनिमा क्या बोलता है आपको, कि आपके पास मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है वाई और एक्स पे डिपेंड कर, वाई जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एंड इट इज मूविंग समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा ग्राफ बनाए इसका। तो ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं जहां पर इसकी वैल्यू जो है पहले बढ़ती रही बढ़ती फिर अचानक से कम हो गई, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड अ मैक्सिमा। विच मीन्स मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, दिस इज द लोकल मैक्सिमम। हम इसको मैक्सिमम नहीं बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट मैक्सिमा। वैसे तो मैक्सिमम का प्लूरल होता है मैक्सिमा, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको इसका मतलब समझना है कि मैक्सिमा मीन्स लोकल मैक्सिमम। लोकल मीन्स आसपास की वैल्यू से, आसपास की वैल्यू से सबसे ज्यादा होगा। सिमिलरली इसको क्या बोल देंगे, मिनिमा। मिनिमा मीन्स लोकल मिनिमम। ये वाला पॉइंट जो है अपनी आसपास की वैल्यू से सबसे कम होगा। अब ऐसा क्या है स्पेशल इनमें, व्हाई आर वी स्टडीइंग देम, ऐसी क्या चीज होगी इनमें? तो इनको लोकेट करना कभी कभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जानने के लिए कि भाई हाँ सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ हुई थी या फिर सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हुआ। जैसे आपने किसी पार्टिकल को मान लीजिए ऊपर की तरफ उछाल दिया, तो मैक्सिमम हाइट कब आई, ये अगर निकालना हो तो उसमें ये वाले कंसेप्ट लगेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। तो भी कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं, तो आप देखो मैक्सिमा तब आएगा जब आपका फंक्शन बढ़ते बढ़ते इंक्रीज कर रहा है बढ़ रहा है और फिर कम होना शुरू हो जाए। That means, पहले आप देखोगे मैक्सिमा से पहले स्लोप जो होगा पॉजिटिव होगा और उसके बाद स्लोप कैसा हो जाएगा, बोलो। पहले स्लोप आपका पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव हो जाए, हाँ बाद में नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपका स्लोप पॉजिटिव होते होते फिर नेगेटिव हो जाए, दैट मीन्स यू आर क्रॉसिंग अ मैक्सिमम। एग्जैक्टली मैक्सिमम वाले पॉइंट पर इट विल बी जीरो। आपका ये जो स्लोप होगा ये पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, तो कोई स्लोप नहीं, मतलब जीरो स्लोप है। सेम गोज फॉर मिनिमा ऑल्सो। मिनिमा क्या होगा, आपका जो ग्राफ है वो नीचे घटते 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 इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज, बढ़ना शुरू कर देगा, तो आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव से फिर पॉजिटिव होगा। यहां पर आपका स्लोप पॉजिटिव, ये स्लोप पॉजिटिव हो गया, इससे पहले नेगेटिव था। एग्जैक्टली मिनिमा पे अगेन फिर से स्लोप जो है वो जीरो ही होगा। सो आई कैन से स्लोप ऑफ द ग्राफ इज जीरो एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टेटमेंट मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है, ध्यान रखना ये चीज। साथ में अभी बस हम ये लिख देते हैं कि कंटिन्यूअस कर्व होना चाहिए। कंटिन्यूअस जनरली फिजिक्स में जितने भी कर्व्स हैं आपके क्लासिकल फिजिक्स में जो अभी आप पढ़ रहे हो न्यूटोनियन, उसमें कंटिन्यूअस ही रहेंगी सब चीजें, कोई भी अचानक से जंप नहीं आएगा इन जनरल। तो अगर कंटिन्यूअस कर्व है, कोई जंप नहीं है इसमें कहीं पर भी, अचानक से नहीं चेंज होता, तो उन केसेस में मैक्सिमा और मिनिमा पर आपका जो स्लोप होगा ग्राफ का वो जीरो होगा। लेकिन क्या सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा पे ही जीरो होगा, बाकी और पॉइंट्स पे नहीं हो सकता क्या? तो देखो कुछ कर्व में कई कई बार इस टाइप का शेप भी बन जाता है। देखा इस टाइप का शेप बनते हो कभी? बनता है, इस टाइप का शेप बन जाता है। अब ये वाला जो पॉइंट है यहां पर अगर आप स्लोप बनाओगे इट विल बी पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस। यहां पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वैसे डेफिनेशन होती है टेंजेंट की, यार वो टच करती है, बट आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कट कर रही है, बट इट डजंट मैटर, ये एक्चुअली एक ही पॉइंट पर इसको टच कर रही होगी। जो इसका स्लोप है वो इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, ग्राफ का स्लोप। सो दिस इज द टेंजेंट एट दिस पॉइंट विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सो द स्लोप इज जीरो नो डाउट, बट इट इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। इनफैक्ट इट हैज अ स्पेशल नेम, वो आप नेम जो है उसके बारे में डिटेल आप
मैथ्स मिसिंग हो गया, अभी मैं बस दिखा देता हूँ यहाँ पर. This is called an inflection point. Now I am not telling you the definition of inflection point. This is not the actual definition. But मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस टाइप के पॉइंट्स पे भी स्लोप जीरो हो सकता है. We don't require the actual definition of inflection point. Anyway, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से आपको एक बात ये समझ में आ गई कि मैक्सिमा और मिनिमा पर क्या हो रहा होगा. आपका जो स्लोप है दैट विल बिकम जीरो. अगर मुझे मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो मुझे उसका डेरिवेटिव जो है, मान लीजिए y और x था, मुझे वहां पर dy by dx को जीरो पुट करना होगा. पहला स्टेप समझ में आता है कि आपको अगर y दिया हुआ है तो आप उसको जीरो पुट करोगे. एग्जाम्पल लेके चलते हैं साथ में. जैसे y इज इक्वल टू आपको मान लो दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x. तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, dy by dx निकालो. कितना होगा ये 2x माइनस 2. ये समझ में आता है डेरिवेटिव? यस. एंड देन सिंपली पुट इट इक्वल टू जीरो, फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट वाली जो भी इक्वेशन बनी है उससे जो है आप वैल्यू ऑफ x निकालो. तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, बोलो इस वाली इक्वेशन से कितना है x का वैल्यू? वन आ गया. ठीक है, देन अगेन व्हाट वी हैव टू डू इज, अब वन पर मैक्सिमा आएगा इसका या मिनिमा आएगा ये हमें अभी चेक करना है. तो अभी सिंपली उसको चेक करने के लिए, अगर हम ये सब ले लें, ये सब मान लें कि यहाँ कंटिन्यूस वगैरह है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखो टू चेक इफ द पॉइंट इज पॉइंट इन सेकेंड इक्वेशन, जो भी हमने सेकेंड में निकाला सेकेंड स्टेप में, टू चेक इफ पॉइंट इन सेकेंड इज मैक्सिमा और मिनिमा वी फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू. तो आपको जो है इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है. तो डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, ये एक्स की वैल्यू निकाली है इसको भूल जाओगे, वापस से इसका डबल डेरिवेटिव निकालो. सो डी टू वाई बाई डी एक्स टू कितना आएगा भाई, दो बार डेरिवेट कर दिया हमने ये मान लो इसको. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट कि क्या चीज है ये भी. अभी सिर्फ ये सीखो कि आपने इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दिया तो उसको इस तरीके से लिख देता है डबल डेरिवेटिव. बताइए कितना आएगा सर? 2 माइनस 0 सर, 2. ठीक है, 2 आ गया. क्या ये सभी को क्लियर है कि अगर मैं इस वाली इक्वेशन को वापस से डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा? बोलो सभी लोगों को क्लियर है 2 आएगा? आशुतोष परिदा, आशुतोष, नूतन चौधरी, कोई नहीं, मैं किसी से जवाब दे रहा है. आप लोग जो है चैट पे भी लिख के बोल सकते हो इफ यू हैव डोंट हैव द माइक. एनीवे, तो देखिए आप इसको, इसका मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मतलब क्या है ये समझ लो बस आप, कि दिस इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. आपने एक बार डिफरेंशिएट करा तो डी वाई बाई डी एक्स आता है, अगेन वो खुद भी एक फंक्शन ही होगा, तो आप उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हो डबल डेरिवेटिव, सो दैट विल बी योर डी टू वाई बाई डी एक्स टू. इसको इस तरीके से नोटेशन ऐसे लिखी जाती है इसकी. ठीक है, तो डी टू वाई डीएक्स टू का वैल्यू यहां से 2 आ गया. जब आपको ये वैल्यू पता लग गई, ये 2 है एंड इट इज कमिंग ग्रेटर देन 0, तो उससे ही आपको पता लगता है इफ डी टू वाई डीएक्स टू इज ग्रेटर देन 0 देन द पॉइंट इज मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, विल बी मिनिमम. And if it is less than 0, d2y by dx2 is less than 0, then it will be maximum. So,
देखने में थोड़ा सा उल्टा रखता है, तो ध्यान रखना अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मिनिमा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मैक्सिमम। ये आपका फ्लो चार्ट रहेगा, ये एल्गोरिथम है टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एनी कर्व, पर्टिकुलरली कंटिन्यूअस कर्व। बोलो ग्राफ में कितने मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं? ग्राफ में मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं? मैक्सिमम मिनिमा दोनों हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। और ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा दोनों हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, यही पूछा था ना। So, हमारे इस वाले केस में, ये जो हमने एग्जांपल लेके चले थे, इस वाले केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या आ रहा है, ये मिनिमा आ रहा है मैक्सिमा आ रहा है। देखो फोर्थ पॉइंट ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होता है पॉइंट, तो मिनिमा। मिनिमा कहां पर आया, एक्स इक्वल टू वन पर आया, तो ये एक्स इक्वल टू वन वाला जो पॉइंट होगा यहां पर आपको एक मिनिमा बनते हुए नजर आएगा। और अगर आपने थोड़ा सा इसमें इसके बारे में जानते हो अगर ग्राफ के बारे में, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का भी होगा, कुछ ऐसा रहेगा ये ग्राफ, ठीक है, इनफैक्ट जीरो से पास भी करेगा। ये हम थोड़ा सा ग्राफ मेकिंग में सीखेंगे कैसे कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं इन सब चीजों के, तो कुछ इस टाइप का ये ग्राफ रहेगा। तो आप x इक्वल टू वन पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक मिनिमा आ रहा है। एनीवे अभी ये जो है ग्राफ पे फोकस ना करके ग्राफ मेकिंग पे नॉर्मली सोचता है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लेट अस से y इज इक्वल टू सम 3x माइनस 2x स्क्वायर आपको दिया हुआ है, फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। सेम एल्गोरिथम यूज करो आराम से और बताओ। हो गया सर। गुड, बाकी लोग भी करेंगे, सब लोग करेंगे इसको। उसकी वैल्यू पाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सभी लोग, बहुत लोगों ने आंसर निकाल दिया, गुड, चेक करते हैं एक बार। तो फर्स्ट स्टेप है डिफरेंशिएट करो, तो 3x का डेरिवेटिव इज 3 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और 2 एक और है यहां पर, तो 4x हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसी को क्या करना है, जीरो पुट करना है, यहां से x का वैल्यू निकाल के रख लेना है, तो आई थिंक प्लस 3/4 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें यह पता करना है कि यहां पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो उसके लिए आपको इसको वापस से आके डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंट, जब दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसको बस लिखने का तरीका ये है, ये सीख लो, ये सिर्फ नोटेशन है, डोंट वरी अबाउट इट। तो दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू बोलते हैं इसको, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। कितना आएगा, 3 का तो 0 माइनस 4 एज इट इज, x का 1 तो ये माइनस 4 आ गया, बस नेगेटिव 4। नेगेटिव 4 इज क्लियरली लेस देन 0 और लेस देन 0 के लिए हमने डिसाइड किया था इट शुड बी मैक्सिमा। सो आई विल गेट x इक्वल टू 3/4 पर मैक्सिमा मिलेगा हमें।
समझ आ रहा है ये?